ओम शांति। आज है 24 अप्रैल 2021 की मुरली। आज बाबा ने ड्रामा अनादि है यह स्मृति दिलाते हुए कहा कि मैं इस बंधन में बंधा हुआ हूँ, फिर कहा बाकी मैं तुम्हारे ऊपर कोई कृपा व आशीर्वाद करने नहीं आता हूँ। फिर बाबा ने निश्चय के लिए कहा, बच्चे कहते हैं बाबा मैं जो हूँ जैसा हूँ तुम्हारा हूँ, तो बाबा भी ऐसे कहते हैं जैसे हो वैसे हो मेरे बच्चे हो। बच्चों को नशा चढ़ाते हुए कहा, तुम हो मोस्ट बिलवेड स्वीट चिल्ड्रन। समय का ज्ञान देते हुए बाबा बोले, आजकल दुनिया में क्या लगा हुआ है और तुम बच्चे अपने को देखो क्या बनते हो। हम फिर से 100 देवता विश्व के मालिक बन रहे हैं। फिर कहा, द्वापर से तुम मेरे अर्थ दान पुण्य करते आ रहे हो, ईश्वर अर्पण कहते हैं ना, लेकिन बाबा कहते हैं रिटर्न देने वाला तो मैं एक ही हूँ। फिर बाबा ने नशे के लिए कहा कि हम किसके आगे बैठे हैं जिससे विश्व के मालिक बनते हो, फिर उनको घड़ी घड़ी भूल क्यों जाते हो। फिर कहा, इतना पुरुषार्थ करो जो कर्म करते करते कम से कम 8 घंटा बाबा को याद करो। लास्ट में बाबा ने योग के लिए कहा कि 2 बजे से लेकर 5 बजे तक है फर्स्ट क्लास वायुमंडल, कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसलिए सर्व का कल्याण करना है। अभी सुनते हैं महावाक्य विस्तार से। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहाँ कोई हद नहीं, योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना यह भी वंडर है। आज मुरली में प्रश्न है, ड्रामा के किस बंधन में बाप भी बंधा हुआ है? तो बाबा ने उत्तर दिया, बाबा कहते मुझे तुम बच्चों के सन्मुख आना ही है, मैं इस बंधन में बंधा हुआ हूँ, जब तक मैं न आऊं तब तक मुझा हुआ सूत सुलझ नहीं सकता, बाकी मैं तुम्हारे पर कोई कृपा व आशीर्वाद करने नहीं आता हूँ, मैं कोई मरे हुए को जिंदा नहीं करता, मैं तो आता हूँ तुम्हें पतित से पावन बनाने। आज मुरली में गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां भी पा लिया। ओम शांति। गीत के अक्षर सुन करके तुम बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि सन्मुख बैठे हैं सारी दुनिया में भल कितने भी विद्वान पंडित आचार्य हैं, कोई भी मनुष्य मात्र को यह पता नहीं कि बेहद का बाप हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। बच्चे ही जानते हैं, बच्चे कहते भी हैं जैसा हूँ वैसा हूँ तुम्हारा हूँ। बाबा भी कहते हैं जैसे हो वैसे हो मेरे बच्चे हो। तुम भी जानते हो वह सब आत्माओं का बाप हैं, सब पुकारते हैं, बाप समझाते हैं, देखो रावण का कितना परछाया है, एक भी समझ न सके कि जिसको हम परम पिता परमात्मा कहते हैं फिर पिता कहने से खुशी क्यों नहीं होती है, यह भूल गए हैं। वह बाबा ही हमें वर्षा देते हैं, बाप खुद ही समझाते हैं, यह इतनी सहज बात भी कोई समझ नहीं सकते। बाप समझाते हैं यह तो वही है जिसको सारी दुनिया पुकारती है, ओ खुदा हे राम, ऐसे पुकारते पुकारते प्राण छोड़ देते हैं। यहाँ वह बाप तुमको पढ़ाते हैं, तुम्हारी बुद्धि अब वहाँ चली गई है। बाबा आया हुआ है कल्प पहले मुआफिक, कल्प कल्प बाबा आकर पतित से पावन बनाई, दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं। गाते भी हैं सर्व का पतित पावन बाप, अभी तुम बच्चे उनके सन्मुख बैठे हो, तुम हो मोस्ट बिलवेड स्वीट चिल्ड्रन। भारतवासियों की ही बात है, बाप भी भारत में ही जन्म लेते हैं, बाप कहते हैं मैं भारत में जन्म लेता हूँ, तो ज़रूर वही प्यारे लगेंगे, याद भी सब उनको करते हैं। जो जिस धर्म के हैं वह अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं,
भारतवासी ही नहीं जानते कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। बाबा समझाते हैं, भारत ही प्राचीन देश है, तो कह देते कौन कहते हैं कि भारत ही सिर्फ था। अनेका अनेक बातें हैं, कोई क्या कहेंगे, कोई क्या। कोई कहते हैं, कौन कहता है कि गीता शिव परमात्मा ने ही गाई है। कृष्ण भी तो परमात्मा था, उसने गाई। परमात्मा सर्वव्यापी हैं, उनका ही सारा खेल है। भगवान के यह सब रूप हैं, भगवान ही अनेक रूप धार लीला करते हैं। भगवान जो चाहे सो कर सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, माया भी कितनी प्रबल है। आज कहते हैं, बाबा हम वर्षा जरूर लेंगे, नर से नारायण बनेंगे, कल होंगे नहीं। तुम जानते भी हो कितने चले गए पार्वती देवी, मम्मा को मोटर में घुमाते करते थे, आज है नहीं। ऐसे अच्छे अच्छे भी माया के संग में आकर ऐसे गिरते हैं जो एकदम नीचे पड़ जाते हैं। जिन्होंने कल्प पहले समझा है वही समझेंगे आजकल दुनिया में क्या लगा हुआ है। और तुम बच्चे अपने को देखो क्या बनते हो। गीत सुनाना, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां भी पा लिया। कहते हैं हम ऐसा वर्षा लेते हैं जो हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। वहाँ कोई हद की बात नहीं, यहाँ हदें लगी हुई हैं। कहते हैं हमारे आसमान में तुम्हारा एरोप्लेन आएगा तो शूट कर देंगे। वहाँ तो सतयुग में कोई हद की बात ही नहीं रहती। यह भी गीत गाते हैं परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। तुम तो जानते हो बरोबर बाबा से फिर से हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। अनेक बार यह 84 का चक्र लगाया है, थोड़ा समय करके दुख पाया है, सुख तो बहुत है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अपार सुख देता हूँ, अब माया से हारो मत, बाबा के बच्चे ठहरे। सब तो एक जैसा सपूत हो न सके, कोई को 5-7 बच्चे होते हैं, उनमें 1-2 कपूत होते हैं तो माथा ही खराब कर देते हैं, लाखों करोड़ों रुपया उड़ा देते हैं। बाप एकदम धर्मात्मा, बच्चे बिल्कुल चट खाते में। बाबा ने ऐसे बहुत मिसाल देखे हैं। तुम बच्चे जानते हो सारी दुनिया इस बेहद बाप के बच्चे हैं। बाप कहते हैं मेरा बर्थ प्लेस यह भारत है। हर एक को अपनी धरती का कदर रहता है। दूसरी कोई जगह शरीर छोड़ते हैं तो फिर उनको अपने गांव में ले आते हैं। बाप भी भारत में ही आते हैं। तुम भारतवासियों को फिर से बेहद का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे कहेंगे हम फिर से 100 देवता विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम मालिक थे, अब तो क्या हाल हो गया है, कहां से कहां आकर पड़े हैं। 84 जन्म भोगते भोगते यह हाल आकर हुआ है। ड्रामा को तो समझना है ना, इसको कहा जाता है हार और जीत का खेल। भारत का ही यह खेल है, इसमें तुम्हारा पार्ट है। तुम ब्राह्मणों का सबसे ऊंचते ऊंच पार्ट है इस ड्रामा में। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, बहुत सुख भोगते हो। तुम्हारे जितना सुख और कोई भोग नहीं सकते। नाम ही है स्वर्ग, यह है नर्क। यहाँ के सुख कागविष्ठा समान है। आज लखपति हैं, दूसरे जन्म में क्या बनेंगे कुछ पता थोड़े ही हैं। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो तो कभी भी पाप नहीं करना चाहिए, हमेशा बाबा से सीधा चलना चाहिए। बाप कहते हैं मेरे साथ धर्मराज सदैव है ही, द्वापर से लेकर सतयुग त्रेता में मेरे साथ धर्मराज नहीं रहता। द्वापर से तुम मेरे अर्थ दान पुण्य करते आ रहे हो,
ईश्वर अर्थ दान करते हैं ना, गीता में कृष्ण का नाम डालने से लिख दिया है कृष्ण अर्पणम। रिटर्न देने वाला तो एक शिव बाबा ही हैं, इसलिए श्री कृष्ण अर्पणम कहना रॉन्ग है। ईश्वर अर्पण कहना ठीक है, गणेश अर्पण कहने से कुछ भी मिलेगा नहीं, फिर भी भावना का कुछ न कुछ देता आया हूँ सबको। मुझे तो कोई जानते ही नहीं है, अभी तुम बच्चे ही जानते हो। हम सब कुछ शिव बाबा को अर्पण कर रहे हैं। बाप भी कहते हैं हम आए हैं आपको 21 जन्म का वर्षा देने। अभी है ही उतरती कला, रावण राज्य में जो भी दान पुण्य आदि करते हैं पाप आत्माओं को ही देते हैं। कला उतरती जाती है, करके कुछ मिलता भी है तो भी अल्पकाल के लिए। अब तो तुमको 21 जन्म के लिए मिलता है, उनको कहते हैं राम राज्य। ऐसे नहीं कहेंगे, वहाँ ईश्वर का राज्य है, राज्य तो देवी देवताओं का है। बाप कहते हैं मैं राज्य नहीं करता हूँ, तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था जो अब प्रायः लोप है, सो अभी फिर से स्थापन हो रहा है। बाप तो कल्याणकारी है ही, उनको कहा जाता है सच्चा बाबा, तुमको सच नॉलेज दे रहे हैं अपनी और रचना के आदि मध्य अंत की। बाबा तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, कितनी जबरदस्त कमाई है, तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। उन्होंने फिर वह हिंसा का चक्र दे दिया है, असल यह है ज्ञान का, असल यह है ज्ञान का चक्र, परंतु यह ज्ञान तो प्रायः लोप हो जाता है। तुम्हारे यह मुख्य चित्र है, एक तरफ त्रिमूर्ति, दूसरे तरफ जाड़ और सृष्टि चक्र। बाबा ने समझाया है, शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है, सारा सूत ही मुंजा हुआ है। बाप के सिवाय कोई से सूत सुलझ नहीं सकता। बाप सन्मुख खुद आए हैं, कहते हैं मुझे ड्रामा अनुसार आना ही पड़ता है, मैं इस ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। यह हो नहीं सकता कि मैं आऊँ ही नहीं, ऐसे भी नहीं कि आकर मरे हुए को जिंदा कर दूँ या कोई को बीमारी से छुड़ा दूँ। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा हमारे पर कृपा करो, लेकिन यहाँ कृपा आदि की बात नहीं। तुमने मुझे इसलिए थोड़े ही बुलाया है कि आशीर्वाद करो, हमें कोई घाटा ना पड़े। तुम बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ, दुख हरता सुख करता आओ। शरीर के दुख हरता तो डॉक्टर लोग भी होते हैं, मैं कोई इसलिए आता हूँ क्या? तुम कहते हो नई दुनिया स्वर्ग के मालिक बनाओ व शांति दो, ऐसे नहीं कहते कि हमको बीमारी से आकर अच्छा करो। हमेशा के लिए शांति व मुक्ति तो मिल ना सके, पार्ट तो बजाना ही है। जो पीछे आते हैं उनको शांति कितनी मिलती है, अभी तक आते ही रहते हैं, इतना समय तो शांति धाम में रहे ना। ड्रामा अनुसार जिनका पार्ट है वही आएंगे, पार्ट बदल नहीं सकता। बाबा समझाते हैं शांति धाम में तो बहुत बहुत आत्माएं रहती हैं, जो पिछाड़ी में आती हैं यह ड्रामा बना हुआ है, पिछाड़ी वालों को पिछाड़ी में ही आना है, यह जाड़ बना हुआ है। यह चित्र आदि जो बनाए हैं सब तुमको समझाना है, और भी चित्र निकलते रहेंगे, कल्प पहले मिसल ही निकलेंगे। 84 का विस्तार झाड़ में भी है, ड्रामा चक्र में भी है। अब फिर सीढ़ी निकाली है, मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं, बिल्कुल ही जैसे बुद्धू हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है परमपिता परमात्मा, जो ज्ञान का सागर शांति का सागर है, वह हमको इस ब्रह्मा तन द्वारा पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं आता ही उनमें हूँ
जो पहले पहले विश्व का मालिक था। तुम भी जानते हो बरोबर हम भी ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनते हैं। गीता में तो यह बातें है नहीं, शिव बाबा खुद कहते हैं। यह खुद ब्रह्मा बाबा ही नारायण की पूजा करने वाला था। ट्रेन में भी मुसाफरी करते गीता पढ़ते थे। मनुष्य समझेंगे यह तो बड़ा धर्मात्मा है। अभी वह सब बातें भूल जाते हैं, फिर भी ब्रह्मा बाबा ने गीता आदि पढ़ी है ना। बाबा कहते हैं मैं यह सब जानता हूँ। अभी तुम यह विचार करो कि हम किसके आगे बैठे हैं जिससे विश्व के मालिक बनते हैं, फिर उनको घड़ी घड़ी भूल क्यों जाते हो। बाप कहते हैं तुमको 16 घंटा फ्री देता हूँ, बाकी अपनी सर्विस करो। अपनी सर्विस करते गोया विश्व की सर्विस करते हो। इतना पुरुषार्थ करो जो कर्म करते कम से कम 8 घंटा बाप को याद करो। अभी सारे दिन में 8 घंटा याद कर नहीं सकते। वह अवस्था जब होगी तब समझेंगे यह बहुत सर्विस करते हैं। ऐसे मत समझो हम बहुत सर्विस करते हैं, भाषण बहुत फर्स्ट क्लास करते हैं, परंतु योग बिल्कुल नहीं है। योग की यात्रा ही मुख्य है। बाप कहते हैं सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए सवेरे उठकर बाप को याद करो। 2 बजे से 5 बजे तक है फर्स्ट क्लास वायुमंडल। आत्मा रात को आत्म अभिमानी बन जाती है, जिसको नींद कहा जाता है। इसलिए बाप कहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो। अब बाप कहते हैं मन मना भव, यह है चढ़ती कला का मंत्र। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। पहला, बाबा बोले बाप से सीधा और सच्चा होकर चलना है। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसलिए सर्व का कल्याण करना है, सपूत बनना है। दूसरा, कर्म करते भी कम से कम 8 घंटा याद में ज़रूर रहना है। याद ही मुख्य है, इससे ही विकर्मों का बोझा उतरना है। आज बाबा ने वरदान दिया पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। स्पष्टीकरण है, कई बार पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में व असफलता प्राप्त करने में अच्छी ढाल बन जाता है। जब कोई भी गलती होती है तो कह देते हैं हम तो अभी पुरुषार्थी हैं, लेकिन यथार्थ पुरुषार्थी कभी हार नहीं खा सकते, क्योंकि पुरुषार्थ शब्द का यथार्थ अर्थ है स्वयं को पुरुष अर्थात आत्मा समझकर चलना। ऐसे आत्मिक स्थिति में रहने वाले पुरुषार्थी तो सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं। वे कभी रुकते नहीं, हिम्मत उल्लास छोड़ते नहीं। आज का स्लोगन है मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहो। यह स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहो, यह स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। अच्छा, ओम शांति।